चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें प्रूफ आप एक बार पढ़ना, फिर मैं कराऊंगा आपको कल, ठीक है। 6.3 जो है आपकी जो टॉपिक चल रहा था उसी से रिलेटेड है ये। इनवर्स निकालते हैं, और इनवर्स कौन सी इनवर्स? लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इनवर्स, इनवर्स निकालेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। आगे टॉपिक और भी आते हैं, इनवर्स निकालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, और इनवर्स निकालेंगे कोई और फंक्शन भी है कई टाइप के, ठीक है। इनवर्स निकालने हैं, इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये टॉपिक आपका चल रहा था, तो इसमें लास्ट हमारा ये है। और इसमें जो मेन है इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड कई आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे जो आपके 6.2 में जाने वो भी। ये कोई जरूरी भी नहीं है कि आपने ये ही अप्लाई करना है, आपके पास अब चॉइस है। जो आपने 7.2 में किया, सॉरी 6.2 में किया, वही आप 6.3 में अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि दोनों में इजी कौन सा है, तो वो आपको जो अभी बताऊंगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, उस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बेस पे ही आपको लगेगा कि वो करने की बजाय अगर ये कर ले तो ये इजी है उसकी बजाय। देखो इसमें क्या है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है आपके पास दो फंक्शन है, दोनों एस के फंक्शन है, दो दो फंक्शन होंगे। आवाज तो क्लियर आ रही होगी ना? सिक्स पॉइंट टू कंप्लीट नहीं हुई है सर, 15 क्वेश्चन हुए हैं बस, 15 हुए हैं जी, 15 हुए हैं। तो 15 के बाद वाले जो बच गए हो जाएंगे भाई, 15 के बाद वाले बिल्कुल हो जाएंगे। 15 के बाद मैंने 17 भी आपको दिया था जो 15 के तरह ही है। 16 जो है पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, 16 जो है पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। 18 आपका 19 बच गया, ठीक है जी। ये आपके कुछ ऐसे हैं जो मैंने पीछे आर्टिकल दिए थे उनसे रिलेटेड बन सकते हैं। आज के लिए फिर टाइम दे रहा हूँ मैं दोबारा, एक बार फिर ट्राई कर लेना, नहीं आते तो बंदों को कल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे। हमको को ना सेम तो नहीं है, कुछ थोड़े से चेंज है, एक टाइप के थे वो मैंने आपको बता दिए थे, ये थोड़े से डिफरेंट से, कोई बात नहीं। अब इसकी बात सुनो, मैं ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ आप उसको भूल जाओ, जो बता जाता है उस पर फोकस रखो। कहता है कि कन्वोल्यूशन थ्योरम में आपके पास क्या होगा, दो फंक्शन होंगे एस के होंगे दोनों, ठीक है, लेकिन आपने पहचान करनी पड़ेगी कौन से हैं, हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि एक फंक्शन जो था एस का उसके इनवर्स निकाले, दूसरा फंक्शन था उसके इनवर्स आपको पता होनी चाहिए क्या इन दोनों के इनवर्स, और दोनों इनवर्स जब निकालेंगे टी का फंक्शन बनेगा। तो मान लिया ये इनवर्स आई एफ टी और वो आई जी टी, सेम तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों अलग अलग है, सीधी सी बात है। मान लिया कि आ गई टी, दूसरे की मान लिया आ गई ई रेज टू पावर 80 या साइन 80 आ गई, तो डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है ना। ये तो वैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चन से समझ जाएगी कि दो फंक्शन की इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास है, ठीक। ये आपको ध्यान है कि इसकी क्या होगी, एफ एस की जी एस की क्या होगी। अब कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है एफ एस का और जी एस का, यानी कि दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट की इनवर्स निकालेंगे, तो ये है वो कॉन्वोल्यूशन। और इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं इससे, एफ स्टार जी से, इससे डिनोट करते हैं एफ स्टार जी। कई बार तो ऐसे भी लिख देता है, कई बार इनके ऊपर साइन बार का लगा देता है, ठीक। तो ये क्या है, इसका मीनिंग है एफ और जी की क्या है, ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हम ये रिजल्ट बना रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन बोलते हैं इसको, एफ और जी की कॉन्वोल्यूशन। तो ये क्या बनेगा, एक इंटीग्रेशन बनेगा जिसकी लिमिट 0 से t होगी। आपने इसकी इनवर्स क्या निकाली थी, ऊपर देखो एफ टी, तो उसमें टी की जगह यू रिप्लेस कर देना। दूसरे की क्या निकाली थी, जी टी, उसमें टी की जगह रिप्लेस कर देना टी माइनस यू, और इसका यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना। ये है वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, थोड़ी अजीब लगेगी ऐसे तो। इससे रिलेटेड अभी जो आप 170 कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से 6.2 का, चलो उसी से मैं आपको ध्यान भी दिला दूंगा कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 170 ध्यान से सुनना, बाकी भी आप सभी ध्यान से सुनेंगे, इसको एक ही टाइप के क्वेश्चन है इसमें,
अब ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने इसको एक्टिव मानना है, उसको जीटी मानना है, इसको उसको एक्टिव, इसको जीटी चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आपका मेन टारगेट पता है क्या? टारगेट आपका ये है, देखो यहाँ मैं पहले बता रहा हूँ, टारगेट ये है, ये इंटीग्रेशन को सोल्व करना। और ये आप सोचो कि ये इंटीग्रेशन सोल्व इजिली कैसे हो, टिपिकली नहीं, इजिली कैसे सोल्व होगा वो आपके माइंड में रहना चाहिए। वो चीजें कब पता चलेंगी? वो यूं पता चलेगा एफ, क्योंकि जो है वो, जो अगर वो लेंथ ही है, बड़ा है, तो आप उसको एफ मानोगे या उसको जी मानोगे। बाकी मैं चीजें यहाँ रिपीट कर दूंगा आपको। देखो इसको आप ऐसे लिखेंगे जो ये लिख रहा हूँ, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपका 6.2 में चलिए, काफी क्वेश्चन इससे सोल्व हो गए हैं, हो जाएंगे। तो ये कहता है कि ये आपने फाइंड आउट करना था इनवर्स, ठीक है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया, एस स्क्वायर अलग और वो अलग, समझ गए? बिल्कुल समझ गए। एक को एफ एस मान लो, एक को जी एस मान लो, वो आपकी मर्जी है, जो आपकी च्वाइस है, आपकी च्वाइस है वो। तो यहाँ लिख देना लेट एफ एस इक्वल टू 1/s² और जी एस इक्वल टू 1/s² + a². मान लिया एक को एफ एस, एक को जी एस, क्योंकि पता है क्या होगा, जब इनवर्स निकालेंगे ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट होगा, तो एक कौन सा है वो जो आपको इजिली पता है कि इसके इनवर्स मेरे को ये आएगी, ये निकलेगी, ठीक। तो मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया मैंने, मेरा टारगेट था इसको सोल्व करना, तो इसको मैंने कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट था तो प्रोडक्ट में रखा, एक को अलग दूसरे को अलग कर दिया, एक को एफ एस एक को जी एस मान लिया। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इनकी इनवर्स निकाल रहा हूँ, इनवर्स निकाल रहा हूँ, ठीक। पहले एफ एस की, फिर जी एस की, कौन था एफ एस? 1/s², कोई बताएगा 1/s² की इनवर्स क्या होती है? 1/s² की इनवर्स होती है t^1/1 × (t)। दूसरा था जी एस, वो जी एस कौन है? वो है 1/s² + a². इसकी इनवर्स अभी बताई भी थी, 1/a sin(at)। अब आप को मैं यही फरी कर दूं, एक को एफ टी मानना है, एक को जी टी मानना है, इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके जो इंटीग्रेशन था। तो लिखो बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से हम क्या करेंगे, जो एफ एस और जी एस है उनका प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसकी क्या निकालेंगे, इनवर्स लाप्लास निकालेंगे। वो एक इंटीग्रेशन होगा जो किसके इक्वल बनता है, एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू, याद रखना इसको डायरेक्ट। आप बताओ मेरे को एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ टी कौन है, एफ टी है टी, एफ टी है टी, तो एफ ऑफ यू क्या बनेगा, टी को यू रिप्लेस कर दो, वो बन गया। जी टी की वैल्यू क्या है, जी टी की वैल्यू है 1/a sin(at), तो जी टी माइनस यू टी की जगह टी माइनस यू बदलना है, टी की जगह टी माइनस यू बदलना है, ठीक। तो ये क्या बनेगा, 1/a sin(of), मल्टीप्लाई कर दिया अंदर a t - a u t u। एक तो चॉइस ये है कि इसको ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि मैंने एफ जी मानने हैं उससे लिखेंगे, अगर मैं इनको चेंज कर दूं क्या, अगर मैं एफ टी मान लूं नीचे वाले को, किसको, 1/a sin(at) को, और जी टी मान लूं किसको, टी को, ठीक। तो उस केस में आप बताएं एफ ऑफ यू क्या आएगा, एफ ऑफ यू आएगा 1/a sin(au), जी ऑफ टी माइनस यू क्या आएगा, टी माइनस यू आएगा। तब भी आपके पास ऐसे ही लिख सकते हैं कि एफ यू की वैल्यू तो आई 1/a sin(au) और दूसरे की वैल्यू आई टी माइनस यू डी यू, दो च्वाइस, करनी कौन सी है वो आपकी मर्जी, लेकिन वो देखो जो इंटीग्रेशन आपको लगता है मैं इजिली सोल्व कर दूं, बस बात खत्म। ऊपर वाला भी सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला भी सोल्व हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला तो इसलिए और बीजी है क्योंकि यू में करेंगे तो इसका ही तो होगा, इसका नहीं करना, और उसमें दोनों करने पड़ेंगे क्योंकि ये यू है, इसमें भी यू है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेकेंड रूल मीन्स आईलेट से, तो हम उसकी च्वाइस को हटा के इसको प्रेफर करेंगे नीचे वाले को, कर सकते हैं उसको भी, कोई डाउट नहीं है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, थोड़ा एक बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा लिखो, बाकी एक बार रफली लिख लो,
कई बार आप इसको चेंज करके जरूर देखो। आपको ये पता है कि एफ एस की इनवर्स ये है, जीएसटी ये है, लेकिन किसको एक्टिव मानना है किसको जीटी मानना है बारी बारी सर मान के चलो, और एक बार इंटीग्रेशन में देखो इंटीग्रेशन कौन सा आपसे सोल्व हो रहा है। बात आई बात समझ में, रेस्पॉन्स दो, रेस्पॉन्स दो, इससे आगे कुछ भी नहीं है बताने की, बात थी केवल ये ही जी। रेस्पॉन्स दो, इसके बारे में बताओ, किसी में को डाउट है तो लिख दो, डाउट डाउट लिख दो। वन सेवेंटी समझ नहीं पा रहा मैं, क्या लिखा आपने? वन सेवेंटी क्या बोलना चाह रहे हैं? रोल नंबर 170 क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाया। साइन 80 क्या? साइन 80 क्या बोल रहे हो? साइन 80 साइन 80 के बारे में क्या बोलना चाह रहे हो? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ जी देखो इसको दोबारा से, अब कन्वोल्यूशन थ्योरम के रिजल्ट से दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आज आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज को, लास्ट वाले को कंप्लीट करना, ठीक है? खुद पे भरोसा रखो। मैं आपसे कह रहा था कि एफ एस इंटू जी एस की इनवर्स निकालनी थी, है ना? एफ एस की वैल्यू आपके सामने क्या थी? 1/s² और जी एस की थी 1/s² + c² पीछे वाले पेज पे देख सको, बिल्कुल जो सेकेंड है उसको सोल्व करेंगे हम। 1/a sin au, 1/a sin au ये इंटीग्रेशन के अंदर है, 1/a sin au, और दूसरा है t-u, ये du, ठीक है? 1/a को बाहर कर दो, जो बचे इसके ऊपर आईलेट लगाएंगे, आईलेट में जब लगाएंगे ऑपरेट करेंगे, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, तो साइन au कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री वाला है। t-u में u काउंट करेंगे, हालांकि t तो कॉन्स्टेंट माना जाएगा यहाँ, ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्राइक। तो पहले कौन आया? अलजेब्राइक आया, इसलिए हम क्या करेंगे, t-u को तो मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और साइन au को मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, करें? ठीक है जी, स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जनरल रूल बता दूं मैं आपको, जनरल रूल बता दूं, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, इनको ब्रैकेट में जरूर रखना, इनको ब्रैकेट के अंदर जरूर रखना, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू यू, इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू ये था, सॉरी यहां ठीक, आगे प्लस इसका डेरिवेटिव करो जीरो, इसका इंटीग्रेशन करो जो भी आए, लेकिन जीरो हो जाएगा ना कंप्लीट, इसके ऊपर लिमिट ऑपरेट कर देना, इसको बोलते हैं जनरल रूल, एक ही लाइन में खत्म कर देगा ये। और जनरल रूल किसका है? ये इंटीग्रेशन का है, ये आपने कैलकुलस में पढ़ा हुआ होगा बिल्कुल। एक यू मानते हैं, एक बी मानते हैं, ठीक, यू मानते हैं उसको एज इट इज रखते हैं, बी मानते हैं उसका इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस यू इसका डेरिवेटिव, इसका फिर इंटीग्रेशन, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, अल्टरनेट साइन के साथ ऐसे चलता है, ऐसे तब तक चलेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। आई बात समझ में? सभी को अच्छे से आई होगी। आप बताओ लिमिट पुट करो, अपर लिमिट क्या देगा, कहाँ रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही पुट होगी, यू में कर रहे हैं तो यू की जगह पुट होगा, क्या अपर लिमिट टी, तो यहाँ पुट करूंगा तो जीरो हो गया, यहाँ पुट करो 3 sin - के, तो नेगेटिव आएगा sin 80/a², लोअर लिमिट पुट करो जीरो, यू की जगह, यहाँ पे यू है जीरो, तो ये टी बच गया, 0 1 तो ये प्लस हो जाएगा टी और बाय ए, ये एक डिवाइड हुआ और ये जीरो हो जाएगा, तो ये बचा, ठीक, तो क्या बनेगा 1/a (t/a - sin 80/a²)
एक अंदर ये मल्टी ये नीचे मल्टीप्लाई कर दो या नीचे से बाहर ले लो, इसके बाद आपने सिंपलीफाई करना, वो आपकी मर्जी है कैसे करना है, ठीक, सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आप देखते रहो, आप 6.3 के ही क्वेश्चन है, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है 6.3 का, जिसमें आपसे पूछता है, जिसको नहीं समझ में आई आप दोबारा क्लियर कर ले, दोबारा हो जाएगा। एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और ये दूसरा है एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसको थोड़ा सोचना होता है आपने बस एक बार, और वो सोचना ऐसा होता है कि मैं इसको सेपरेट तो करूं लेकिन कैसे करूं जो इजी रहे, वो आपके पास देखो मैं जो बता रहा हूँ बस ये है। जो एस स्क्वेयर था उसको एस इंटू एस लिखा है और नीचे वाले को भी ऐसे, इसको मैंने एफ एस मान लिया, और दूसरे वाले को क्या मान लिया मैंने जी एस मान लिया, ठीक। यहाँ लिख देंगे लेट एफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और जी एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पहले आप इनकी इनवर्स निकालो, आप बताओ सभी सभी को पता है अच्छे से, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, साइन 80 आएगी इसकी इनवर्स, कोस 80 आएगी, कौन सा सही है आप बताना, दोनों गलत है या दोनों सही है कि कौन सा ठीक है, क्योंकि ऊपर एस है कॉन्स्टेंट नहीं है तो इसलिए ये नहीं आएगी, नीचे वाले बिल्कुल सही है, कोस आएगा साइन नहीं आएगा, ठीक, ये नहीं आएगी, ये बनेगी, ठीक, कोस 80 आएगी इसकी। तो मैं लिख रहा हूं किसकी आई कोस 80 और उसकी आई इनवर्स कोस बी टी, उसकी इनवर्स क्या आई कोस बी टी, क्लियर है यहां तक। अब बताओ बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या मिलेगा, एफ एस और जो जी एस थे उनका प्रोडक्ट करो फिर उसकी इनवर्स निकालता है कॉन्वोल्यूशन, इंटीग्रेशन करता है जीरो से टी एफ ओ यू जी टी माइनस यू। अब वही बात फिर आ रही कि सर इसमें एफ टी किसको माने जी टी किसको माने, च्वाइस आपकी, इसको मैंने एफ टी मान लिया, उसको मैंने जी टी मान लिया, हालांकि दोनों एक टाइप के तो हैं, कोई से को भी मान सकते हो आप, एफ टी मान लिया उसको जी टी इसको मान लिया, तो आप बताओ एफ एस की वैल्यू एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसकी वैल्यू एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आ गई, इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से टी रही, एफ ऑफ यू क्या आएगा कोस ए यू आएगा, जी टी माइनस यू क्या आएगा कोस ऑफ बी इंटू टी माइनस यू आएगा, कैसे रखते हैं पता तो चल ही गया हुआ, सिंपली कुछ नहीं करना, टी को रिप्लेस करना है, यहाँ टी को यू से रिप्लेस करना था, वहां टी को टी माइनस यू से रिप्लेस करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कैसे इसको सोल्व करोगे, आप इसके बाद बताओ, इसको हम ऐसे करेंगे टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दो, टू को से कोस बी लगाओ, क्या ऑपरेट करो यहाँ टू को से कोस बी, क्योंकि मल्टीप्लाई आ गए, क्या होता है टू को से कोस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ऑपरेट कर दो और आगे इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, पुट कर देना लिमिट, जो भी आएगा आपका आंसर बिल्कुल वही रहेगा जो भी है, ये एंड बता रहा हूं, इससे आगे आप कुछ भी नहीं, बस मैंने बता दिया टू कोस ए कोस बी लगा दिया, उस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दिया और ये जो भी बना लास्ट में आपके पास वही, थोड़ा थोड़ा एंट दे रहा हूं आपको। अगले क्वेश्चन में एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस वन और एस स्क्वेयर प्लस फोर है, कैसे करोगे आप इसको बताओ, अब के बार एस स्क्वेयर नहीं है एस है, एस है तो एक के साथ ही रखा जाएगा, या तो आप इसके साथ रख दो उसको वन रखो ऐसे करो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस उसके साथ रखूं वन इसके साथ रखूं, ठीक है, ये भी च्वाइस बिल्कुल सही है, एक को एफ एस मान लो एक को जी एस मान लो, वो एफ एस जी एस भी आपकी च्वाइसेस है, कौन सा मानना है कौन सा नहीं वो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया एफ एस मान लिया इसको और जी एस मान लिया उसको, एफ एस जिसको माना उसकी इनवर्स बताओ, इसकी इनवर्स क्या आएगी एफ एस की साइन
टी आएगी। जी एस किसको मानना था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर को। इसकी इनवर्स क्या आएगी, जी एस की कोस टू टी आएगी। ठीक है, इनमें से फिर एक एफ टी मान लो, एक को मान लो जी टी। जब एफ टी मान लो तो उससे एफ यू निकालो, जी टी मान लो तो जी टी माइनस यू निकालो। तो एफ यू कौन बताएगा, साइन यू आएगा। जी टी माइनस यू बताओ कौन बताएगा, इसमें कोस ऑफ टू इंटू टी माइनस यू आएगा। ठीक है, तो इसकी इनवर्स क्या आएगी, बाय कन्वोल्यूशन जीरो से टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू। क्लियर है, एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या है, साइन यू है। जी टी माइनस यू की वैल्यू क्या है, कोस ऑफ टू टी माइनस टू यू है। सेम वही, कैसे इंटीग्रेशन को सोल्व करना है वो सोचने वाली बात बिल्कुल यही रहेगी कि ये इंटीग्रेशन सोल्व कैसे हो। टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू साइन है कोस भी लगा दिया, लिखवाए हैं आपको, नोट भी करवाए हैं, टू कोस साइन है कोस भी। टू साइन है कोस भी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। किसी का कोई डाउट है क्या, किसी का कोई डाउट आ जाए, इसमें इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं ना। देखो अब इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, डेरिवेटिव समस्या है, तो ये आपने ही खुद ही स्ट्रोंग करने पड़ेंगे। ठीक, कर सकते हैं इसको आगे कंटिन्यू। और थोड़ा हिंट और बता देता हूँ आगे वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और टाइम भी होने वाला है इसमें थोड़ा, मैं एक बार इसमें आपके अटेंडेंस भी बताऊंगा बीच में, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड है, थर्ड में आपसे ये पूछता है कि इनवर्स निकालने। देखो आपको ये जरूर पता चल गया कि प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास दो का, कई बार प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जानबूझ के, पता है इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है वो कि इसके इनवर्स निकालो एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस माइनस थ्री। कर तो पिछले वाले कोई से उस मेथड से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दो, या फिर आप ऐसे किया है तो इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। चॉइसेस तीन होगी आपकी यहाँ, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन ही है ना, अलग अलग करके सोल्व कर दिया, या फिर इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं वो भी ठीक है, या फिर अब आ गया कौन सा रिजल्ट, कन्वोल्यूशन का, कन्वोल्यूशन थ्योरम का रिजल्ट लग गया। तो हम क्या करेंगे आप बताओ, क्या करेंगे इसमें, एक को एफ एस मान लेंगे, किसको माने एफ एस, एफ एस मान लिया मैंने वन अपॉन एस माइनस वन को, जी एस किसको मान लिया वन अपॉन एस प्लस थ्री को। हाँ जी, इनवर्स निकाले एफ एस की क्या आएगी, पंकज बताएगा, ए रेज टू पावर टी आएगी। योगेश बताएगा जी एस की इनवर्स क्या इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगी इसकी।